अजीज तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नो, पिछले लेक्चर में हमने बात की कि कर्ज क्या है, किन मुख्तलिफ तरीकों से हम इन कर्ज को बयान कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इन कर्ज का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होगा, और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन यानी CN की शक्ल में, नंबर ऑफ कार्बन की शक्ल में हम इन कर्ज को किस तरीके से डिफाइन करें। नाउ हीटर, जैसे मैंने कहा कि हीटर एंड मोनोहाइड्रिकल कर्व दे आर फंक्शनलाइज, यानी उनके साल में जाते हो सकते हैं, जिनके मोनोहाइड्रिकल कर्व सहशुदा एलिफेटिक मोनोहाइड्रिकल कर्व दे और ईथर के बराबर है, साल में जाते हो सकते हैं, लेकिन ड्यू टू डिफरेंस इन देयर फंक्शनल ग्रुप उनका ताल्लुक अलग अलग के माध्यम से रहेगा। एल्कोहल ग्रुप अगर फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल रहेगा, और अगर डायवेलेंट ऑक्सीजन मिला हुआ है तो एल्किल ग्रुप से, ठीक है, यकसा या मुख्तलिफ, तब उस सूरत में जो है वो बात ध्यान करते हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए नहीं ये पिछले सालों में बोर्ड के एग्जाम। नाउ अब हम बात करेंगे ईथर की जमानबंदी की या ईथर की दर्जेबंदी की, हाउ ईथर आर क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। नाउ जैसे कि हमने देखा कि ईथर में जो SP3 मफरूज ऑक्सीजन है इट इज सराउंडेड बाय टू अल्किल ग्रुप, ठीक है, दो अल्किल ग्रुप से, एलिफेटिक बात कर रहा हूं मैं, दो अल्किल ग्रुप से वो जुड़ा हुआ होता है। नाउ ऑक्सीजन के अतराफ जो अल्किल ग्रुप मौजूद है उनमें यकसानियत है या वो मुख्तलिफ है, मतलब वो एक जैसे अल्किल ग्रुप है या अलग अलग अल्किल ग्रुप है, उसकी बुनियाद पर ईथर को दो मुख्तलिफ हिस्सों में या दो तरीके से दर्जेबंद किया गया है। क्या वजह बनी ईथर को क्लासीफाई करने की, वजह क्या बनी, वजह बनी कि इस ऑक्सीजन के अतराफ विच इज अ फंक्शनल ग्रुप, देखिए कपोली ग्रुप का नामियाती ग्रुप का सबसे अहम जो होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसी की वजह से उसी के इर्द गिर्द सारे रिएक्शन घूमते हैं जनरली। तो क्या होगा, क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन के अतराफ ये जो अल्किल ग्रुप है दोनों भी आर मतलब अल्किल ग्रुप एक जैसे हैं या अलग अलग, इसकी बुनियाद पर ईथर को दो हिस्सों में क्लासीफाई किया हुआ है, एक है सादा ईथर या जिसको दशाकुंडी ईथर भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरे किस्म है ईथर की मखलूत ईथर या गैर दशाकुंडी ईथर, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। इनफैक्ट अगर समझ लीजिए मेरे पास ऐसे वक्तवाद हैं, तो कट एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग CH3O सिंगल बॉन्ड CH3 एक मरकब है मेरे पास, दूसरा मरकब है मेरे पास CH3CH2CH2CH3, ठीक है, तीसरा मरकब है मेरे पास CH3CH2OCH3 एंड सो ऑन। तो जब मैं इस तरह के ईथर पर नजर डालता हूँ या हम जब नजर डालते हैं इस तरह के ईथर पर, तो हम देखते हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप के अतराफ जो अल्किल ग्रुप हैं वो दोनों तरफ CH3CH3 ग्रुप का है, मतलब दे आर सेम, राइट। यहाँ भी जब मैं देखता हूँ तो एक अल्किल ग्रुप C2H5CH3CH2 मतलब C2H5, देखिए ये वाला CH3 अल्किल ग्रुप ने लेना है आपको सिर्फ इतना, हमको क्या अल्किल ग्रुप के लिए हमको क्या करना है, ऑक्सीजन के बाद से जितनी भी जो भी कार्बन हाइड्रोजन वाला ग्रुप रहेगा वो सब शुमार किया जाएगा काय में एक आर में, वाय बिकॉज जनरल फॉर्मूला ही ROR, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के बाद में अब जितने भी रहेंगे कार्बन हाइड्रेट पर मुश्किल जो भी ग्रुप रहेगा वो इस जाने एक अल्किल ग्रुप शुमार किया जाएगा, वो इस जाने एक अल्किल ग्रुप शुमार किया जाएगा, है ना। ये नहीं रहना है खाली कि भाई इधर CH3 एक है और इधर CH3 एक है, नहीं, दिस इज नॉट क्योंकि ये CH3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, इसलिए जब अल्किल ग्रुप का सिलेक्शन हम करेंगे यहाँ पर बोलो या यहाँ पर बोलो या यहाँ पर, तो हम क्या सिलेक्शन करेंगे, ये पूरा ग्रुप आएगा एक अल्किल ग्रुप के तौर पर, ठीक है, और वो ग्रुप कौन सा है, टू कार्बन फाइव हाइड्रोजन यानी दो कार्बन पांच हाइड्रोजन पर मिश्रण है, दैट इज इथाइल ग्रुप। तो इधर इथाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के और इधर भी इथाइल ग्रुप है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप, जैसे यहाँ दोनों तरफ मिथाइल और मिथिल ग्रुप है, यहाँ दोनों तरफ इथिल ग्रुप है, मतलब दोनों ग्रुप कैसे हैं, एक जैसे हैं, इसलिए इसका शुमार काय में होगा सादा या दशाकुंडी ईथर में होगा। लेकिन जब मैं इस मरकब की बात करूंगा तो मैं देखता हूँ
यहाँ पर दो कार्बन पर मुश्तमिल एक अल्किल ग्रुप है और एक कार्बन पर मुश्तमिल एक अल्किल ग्रुप है, मतलब तीसरा जो मरकब है वो सादा जिक्र नहीं होगा। तो फिर वो क्या होगा? वो होगा गैर पेशाब, क्योंकि वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों मरकबात एग्जाम्पल का वॉट सादा या पेशाब। लेकिन जब तीसरी एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा वो तीसरी एग्जाम्पल आएगी इधर, यू हैव फाइव कैंडिडेट बनाया CH3 CH2 O, क्यों? क्योंकि जब मैं तारीख देखता हूँ गैर तशाकुल ईथर की, तो ये कहती है कि ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन के अतराफ अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो, एक जैसे एल्किल ग्रुप नहीं होना चाहिए, अलग अलग एल्किल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तरह के जो भी हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं CH3 CH2 O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर इथाइल ग्रुप है राइट, और इधर एन प्रोफाइल ग्रुप है या एन प्रोफाइल दो कार्बन पर मुश्तमिल ग्रुप है, ये तीन कार्बन पर मुश्तमिल ग्रुप है, तीन अल्किल ग्रुप आगे। देखिए समटाइम्स क्या हो सकता है, ये ईथर ऐसे हो जिनमें दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अल्किल ग्रुप में बराबर हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो, जैसे एक तरफ एन प्रोपाइल एक तरफ आइसोप्रोपाइल, उस सूरत में ईथर क्या होंगे? दे विल बी व्हाट? अलग अलग अल्किल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो अगर अलग अलग नाम दें,
क्या हो जाएगा, तो किस सांचे में डालेंगे हम? डाई इथिल ईथर। इट इज डाई इथिल ग्रुप है, इथिल ग्रुप है और इथाइल ये भी इथिल ग्रुप है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिथाइल की जगह इथाइल हो जाएगा। सो द नेम विल बी व्हाट? डाई इथिल। ठीक है, डाई इथिल व्हाट? डाई इथिल। इस तरीके से आपको ये सांचे में डालना है। इनको यानी ऑक्सीजन के अंदर आप जो इथिल ग्रुप है उनका नाम लिखेंगे, पहले डाई लगाएंगे और आगे जमात का नाम लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके कॉमन सिस्टम में अगर हम मिक्स ईथर को नाम दे रहे हैं, तो मिक्स ईथर को जब हम नाम देंगे तो हम उनके लिए सांचे का इस्तेमाल करेंगे, यानी उनके लिए हम अल्किल अल्किल ईथर इस सांचे को हम बता देंगे। अल्किल अल्किल ईथर। देखिए यहाँ दो बार अल्किल ग्रुप आप बोल सकते हैं, यहाँ भी तो दो अल्किल ग्रुप है, यहाँ दो बार क्यों लिखे? दो बार इसलिए नहीं लिखे, एक जैसे हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डाई लगा देंगे सफिशियंट। लेकिन यहाँ पर एल्किल ग्रुप अलग अलग है, तो ये एक तरफ वाला ग्रुप और एक तरफ ये ग्रुप, तो इसका नाम आपको अलग लिखना पड़ेगा, इसका नाम अलग लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये कि किसका नाम पहले लिखना? तो जिस एल्किल ग्रुप के नाम का पहला लेटर पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले लिखना पहले लिखा जाएगा। जैसे इथिल कहीं पहले आता है तो इथिल पहले लिखा जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह इथिल लिखेंगे आप कॉमन नेम और इसकी जगह लिखेंगे, तो नाम क्या बनेगा? इथिल मिथिल ईथर। इथिल मिथिल ईथर, ठीक है, ये नाम। इन दोनों में नाम किसका बनेगा? इथिल एंड प्रोपिल ईथर। इथिल पहले आता है इथिल और एन प्रोपिल, फिर आगे जमात का नाम लिखेंगे। क्या इस तरह कॉमन सिस्टम के मुताबिक सादा ईथर को हम डाई एल्किल ईथर इस सांचे में डालेंगे और मफ़्रूज़ ईथर को हम अल्किल एल्किल ईथर इस सांचे में डालेंगे। तो बात आप में आई होगी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आईयूपीएसी तरीके के मुताबिक, आईयूपीएसी तरीके के मुताबिक ईथर्स को किस तरीके से नाम दिए जाते हैं, ईथर्स को किस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो गौर से देखा है तो वहाँ हमने आपको बात बताई है कि ईथर की एक डेफिनेशन हमने आपको ये भी बताई है कि ईथर जो है वो अल्केन के अल्कोक्सी मास्क हैं। बड़ा ईथर दे आर द अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और इसी मुनासिबत से ईथर को आईयूपीएसी नाम दिए गए थे। आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर इज अल्कोक्सी अल्केन, उस तारीफ की रोशनी में आईयूपीएसी ने नाम दिया ईथर को या अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। नाउ व्हाट आर द रूल्स, कौन से रूल्स हैं ईथर को नाम देने के लिए? देखिए हम 11वीं क्लास से आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक मुरक्कबात को नाम देने का तरीका पढ़ रहे हैं और उसमें हमने शुरुआत की थी, अगर आपको याद हो, अल्केन से हमने शुरुआत की और मैंने कहा भी था कि अल्केन के ये रूल्स हैं यार वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, बराबर है। बाकी जो भी जमातों के हम नाम देंगे, जमातों के तालुक रखने वाले शुरुआत जो हम नाम देंगे तो हम उनमें कुछ रद्दो बदल करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो पॉइंट्स हैं वो वही होंगे जो अल्केन के हैं, उनमें कुछ ना कुछ जमात के लिहाज से चेंजेस आए ना, ठीक है, फंक्शन कुछ तब्दील होंगे तो, लेकिन बुनियादी तौर पर जो हमको काम करना है, जो उसूलों को हमको ध्यान में रखना है, हम वो उन्हीं उसूलों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से उसूल्स हैं आप रिवाइज करिए इंशाल्लाह, अगला वीडियो आपको देखने तक आप रिवाइज करिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हाउ ईथर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी।